आज मैं आपसे श्वेताब गंगवार की बुक द रूडेस्ट बुक एवर की समरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप जानेंगे कि आप कौन हैं, क्या सोचने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे सोचने वाले लोग कैसे होते हैं, रिजेक्शन क्या होता है और कैसे सोचना कैसे सीखें। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर वन, आप एक प्रोडक्ट हैं। ऑथर कहते हैं कि जैसे आपके घर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वैसे ही आप भी एक प्रोडक्ट हैं, जिससे काफी सारी उम्मीदें जुड़ी है, जैसे कि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और जीवन में कामयाब हो जाएंगे। हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, जैसे कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, एक अच्छी जॉब लेनी है और बड़ा आदमी बनना है। ऐसा सोचने वाला लोग दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि बस भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही उनसे भी कराया जाता है, उन्हें सोचने ही नहीं दिया जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे सोचना है, शायद हमारे माता पिता को भी नहीं पता होता है कि आखिर सोचना कैसे है। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या सोचने वाले लोग कैसे होते हैं। क्या सोचने वाले ऐसे लोग और विचारधाराओं को फॉलो करते हैं जिससे उन्हें सुरक्षित और आरामदायक यानी कि कंफर्टेबल फील होता है। ऐसे लोग किसी नई चीजों को सोचने से डरते हैं, अपने समुदाय या ग्रुप से अलग होने से डरते हैं, और ऐसे लोगों को भीड़ का हिस्सा होना पसंद होता है। जब भी ऐसे लोगों को कोई परेशानी आती है तो वो हमेशा दूसरों के पास जाते हैं, या किसी भी समस्या के समाधान के लिए कभी खुद नहीं सोचते। आइए अब देखते हैं कि कैसे सोचने वाले लोग कैसे होते हैं। कैसे सोचने वाले हमेशा सीखना पसंद करते हैं। कैसे सोचने वाले किताबों से, इंटरनेट से या किसी और माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने समुदाय से अलग होने से नहीं डरते। ये लोग लोगों को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनकी किसी अच्छी सोच या विचार को फॉलो करते हैं। कैसे सोचने वाले कैसे बने, वीडियो के एंड में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट, क्या आप स्पेशल हैं या क्या आप खास होना चाहते हैं? आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि कुछ ही लोग खास होते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि आप खास हैं, तो आप मान लेते हैं कि आप खास हैं। और यदि आपको कोई कह दे कि आप खास नहीं हैं, तो आप इसको भी सच मान लेते हैं कि आप खास नहीं हैं, और फिर आप दुखी हो जाते हैं। कोई भी खास पैदा नहीं होता, या फिर किसी के कह देने से आप खास नहीं बन जाते। आपको इसे हासिल करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी के कह देने से खास महसूस करते हैं, तो क्या कल को वो कहेगा कि आप खास नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? खास होने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। 10th में आपके 99% नंबर आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12th में भी उतने ही नंबर आएंगे। उसके लिए आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी आपने पहले की थी। और अगर आपके पहले कम नंबर आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लूजर हैं और आपके दोबारा से कम नंबर आएंगे। अगर आप इस बार मेहनत करेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। इसीलिए दोस्तों, खास होने के लिए खुद व्यक्ति का होना जरूरी है, किसी और का नहीं। कोई भी अपनी आंख बंद करके खुद से पूछ सकता है, मैं खास क्यों हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, और स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। अगर आप खुद से असंतुष्ट हैं, तो आपके पास इसे कमाने का विकल्प है। कोई इसे आपको दे नहीं सकता, आपको इसे कमाना ही होगा। नेक्स्ट, रिजेक्शंस क्या होता है? रिजेक्शंस जीवन का एक हिस्सा है और ये नॉर्मल बात है। आपको ये समझनी होगी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं, एक जगह ठहरे हुए नहीं हैं। रिजेक्शंस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप एक लूजर हैं। जब आपको कोई जॉब मिलती है या जब आप क्लास में टॉप करते हैं, तो आपने कभी ये कहा कि मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे हमेशा ही सक्सेस मिलती है? शायद नहीं। लेकिन जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो तब आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं एक फेलियर इंसान हूँ। जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, तो हम मन में बोलते हैं कि मैं इसको दिखा दूंगा कि इसने कितनी बड़ी भूल की है, मैं बहुत अमीर बनूंगा, इससे बड़ा घर ले लूंगा, और भी पता नहीं क्या किया। फिर आप पैसा कमाएंगे, इसलिए कि आप दूसरों को दिखा सकें कि आप कुछ हैं। और इन सब के चक्कर में आप ये भूल जाएंगे कि आप खुद क्या चाहते हैं, आपकी खुद की क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। आप हर किसी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिए। ऐसे लोग जो ये जान लेने के योग्य हैं कि वे जीवन से क्या चाहते हैं, वही महानता की तरफ बढ़ते हैं, और वो खुद के सामने साबित करते हैं कि वो जो भी करते हैं उसमें बेहद उम्दा है।
समय के साथ ये इल्म होता है कि उन्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वही करने पर उन्हें एक मकसद हासिल होता है और उस मकसद को पूरा करना उन्हें संतुष्टि और अर्थपूर्ण जीवन प्रदान करता है। नेक्स्ट, आपका आत्मा कैसे मरता है? उस आखिरी बार को याद कीजिए जब कोई काम करके आपको बेहद आत्मसंतोष हासिल हुआ हो, लेकिन एक बार जब आपने इसे किसी सक्षम व्यक्ति जैसे शिक्षक, बॉस, गुरु के सामने पेश किया तो वे लोग इनसे प्रभावित नहीं हुए। असल में उन्होंने सोचा कि यह औसत दर्जे का काम है और आपके लिए आपका वह काम फौरन ही दो कौड़ी का हो गया। इससे आपका दिल थोड़ा टूट सा गया और जिस चीज से एक समय आपको अभिमान हुआ था उसी चीज से थोड़ी देर बाद आपको अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। जब ऐसा तजुर्बा होता है तब आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और पूरी तरह उन लोगों पर विश्वास करने लगते हैं जो बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है। आपके मौलिक विचार तब तक महत्वपूर्ण नहीं होते जब तक कि वे लोग इसे स्वीकृत नहीं करते। नतीजा यह होता है कि एक समय के बाद आप पूरी तरह से अपने सेल्फ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की आवाज लंबे समय से मजबूती से दबा दी गई है और आपके जीवन के काफी लंबे समय तक आप भ्रमित, अव्यवस्थित और हमेशा मार्गदर्शन की तलाश में रहते हैं। या तो ऐसी मिसालें ढूंढते हैं जिसकी आप नकल कर सकें, या ऐसा शख्स खोजते हैं जो आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ चल सके। आप यहाँ एक शब्द सेल्फ पर ध्यान दे रहे होंगे। यह सेल्फ आपके भीतर मौजूद आप हैं। यह वह शख्स है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते और एक अलग इंसान बनने की खातिर इससे दूर भागते रहते हैं, लेकिन यह वही है जो आप वास्तव में हैं। यह वही है जिसे आपको बेहतर समझना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए और सशक्त बनाना चाहिए। नेक्स्ट, तारीफ कीजिए, अनुयायी मत बनिए। जब आप ये कहते हैं कि आप किसी की खास चीज को बहुत पसंद करते हैं तब आप ठीक उसी खास की ओर इशारा कर रहे होते हैं जिसने आपके दिमाग को आकर्षित किया होता है। तब आपका पूरा ध्यान आपकी प्रशंसा पात्र के स्रोत पर टिका रहता है, जो कि उनका काम, आस्था, रचनाशीलता या उनकी मेधा हो सकती है। प्रशंसा का मतलब यह भी हो सकता है कि आप उस स्रोत से प्रेरणा लें, जिसका मतलब है कि उनका काम आपके लिए संदर्भ बिंदु शरीफ हो। आप किसी के काम से प्रेरित हो सकते हैं ताकि आप स्वयं कुछ सृजित कर सकें। लोग ऐसा बहुत बार करते हैं। आखिर में जब आप किसी व्यक्ति की किसी खास चीज की तारीफ करते हैं तब भी आप प्रशंसा के स्रोत को छोड़कर बाकी की चीजों से दूरी बनाए रखने के लिए आजाद होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपका नायक होता है तब आपका झुकाव उनका अनुयायी बनने की तरफ होता है। इस मानसिकता के साथ अब ये जिम्मेदारी भी आ जाती है कि आप ये साबित करें कि आखिर वे लोग अनुसरण करने योग्य क्यों हैं। और जब भी कोई आपसे इस बात पर असहमत हो तो फिर आपको इस तर्क की रक्षा भी करनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि मुझे किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, यह मेरा चुनाव है, मैं जिसे चाहूँ उसे फॉलो कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कैसे सोचना कैसे सीखें? ऐसे लोग जो जानते हैं कि कैसे सोचें, उनकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और इस दुनिया की कामकाज की समझ उच्च कोटि की होती है। उनका दिमाग आपसे कहीं बेहतर काम करता है, वे आपसे कहीं बेहतर अधिक जानते हैं और उनके मस्तिष्क में आपसे कहीं अधिक विचार आते हैं। और तब आप हैरान रह जाते हैं, मैं उस तरह से सोचना कैसे सीखूं जैसे वे सोचते हैं। यह बात आपके दिमाग में सुपर पावर बन जाती है और ऐसा लोग आपके लिए विशेष हो जाते हैं। कैसे सोचें इस चीज का ठीक विपरीत है। यह सोचने का ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रभाव या नैरेटिव या बकवास के असर में आए बिना अपना विचार खुद स्वतंत्र रूप से तैयार करते हैं। तो कैसे सोचे को विकसित करने का पहला चरण पूरा करने के लिए जरूरत है कि आप इस बात से बिल्कुल अनजान रहें कि चीजों को लेकर आपकी पहली दृष्टि क्या होनी चाहिए। जब आपको किसी चीज के बारे में सोचना हो तो आप इसके बारे में मौजूद हर उस विचार को भूल जाएं। आप एकदम जीरो से शुरू करें। कैसे सोचें का मतलब होता है आंकड़ों को इस तरह से इस्तेमाल करना जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आप सीखते तभी हैं जब आप सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। कैसे सोचें को विकसित करने के लिए आपको समस्या की विषय वस्तु पर ध्यान देना होगा और इस दौरान अपने निजी विचारों, पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को तिलांजलि देनी होगी। तब जाकर ही नए पैटर्न्स और नई समझ का जन्म हो सकता है। कैसे सोचें यह एक ऐसी योग्यता है जिसे व्यक्तिगत तौर पर आपके द्वारा ही
विकसित किया जा सकता है और इसके लिए आपको स्वयं की सोच चाहिए होगी। इससे आपको अपने पैटर्न्स मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका अस्तित्व पहले नहीं रहा होगा, इसका मतलब होगा कि आप जिन पैटर्न्स के साथ आए हैं उनसे आपको सबसे अच्छे नतीजे हासिल होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।